साथियों, जीवन में कुछ बातें हमें उत्साह से भर देती है और विशेष रूप से बच्चों की उपलब्धियां, उनके कारनामे हम सबको नई ऊर्जा देते हैं और इसलिए आज मुझे कुछ बच्चों के बारे में बात करने का मन करता है। और ये बच्चे हैं निधि बाईपोटू, मोनिश जोशी, देवांशी रावत, तनुष जैन, हर्ष देवधरकर, अनंत तिवारी, प्रीति नाग, अथर्व देशमुख, अरोन्यतेश गांगुली और ऋतिक अलामंदा। मैं इनके बारे में जो बताऊंगा उससे आप भी गर्व और जोश से भर जाएंगे। हम सब जानते हैं कि कैंसर एक ऐसा शब्द है जिससे पूरी दुनिया डरती है, ऐसा लगता है मृत्यु द्वार पर खड़ी है। लेकिन इन सभी 10 बच्चों ने अपनी जिंदगी की जंग में न केवल कैंसर को, कैंसर जैसी घातक बीमारी को पराजित किया है, बल्कि अपने कारनामे से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। खेलों में हम अक्सर देखते हैं कि खिलाड़ी टूर्नामेंट जीतने या मेडल हासिल करने के बाद चैंपियन बनते हैं, लेकिन यह एक दुर्लभ अवसर रहा जहां ये लोग खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से पहले ही चैंपियन थे, और वो भी जिंदगी की जंग के चैंपियन। दरअसल इसी महीने मॉस्को में वर्ल्ड चिल्ड्रंस विनर्स गेम्स का आयोजन हुआ। ये एक ऐसा अनोखा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है जिसमें यंग कैंसर सर्वाइवर्स, यानी जो लोग अपने जीवन में कैंसर से लड़कर बाहर निकले हैं, वे ही हिस्सा लेते हैं। इस प्रतियोगिता में शूटिंग, चेस, स्विमिंग, रनिंग, फुटबॉल और टेबल टेनिस जैसी स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। हमारे देश के इन सभी 10 चैंपियंस ने इस टूर्नामेंट में मेडल जीते। इनमें से कुछ खिलाड़ियों ने तो 1 से ज्यादा खेलों में मेडल जीते।